हाल ही में यूपी के अंबेडकर नगर में 11वीं कक्षा की एक स्कूली छात्रा साइकिल से जब घर लौट रही थी तब कुछ मनचलों ने उसका दुपट्टा खींचा, इससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर गई। छात्रा को पीछे से आ रही बाइक ने कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी अरबाज, फैजल और शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था तब आरोपियों ने भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस ने गोली चलाई। इसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी और तीसरे आरोपी का भागते वक्त पैर टूट गया। इसके बाद इन आरोपियों को अस्पताल ले जाया गया। इसी बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। दावा है कि ये यूपी के अंबेडकर नगर में हाल में हुई घटना के 3 आरोपी है। भाजपा यूथ विंग उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया हेड ऋचा राजपूत ने ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया। वहीं और भी कई राइट विंग यूजर्स ने ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ शेयर किया। हालांकि वीडियो के बारे में छानबीन करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये वीडियो दूसरी घटना का है। फेसबुक पेज न्यूज एक्सप्रेस ने 18 सितंबर को ये वीडियो पोस्ट किया और बताया कि भरतपुर के हिस्ट्री शीटर अजय जामरी के हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था और इनके पैर में गोली लगी थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी इस घटना को कवर किया था। देखिए, कुछ दिन पहले भरतपुर शहर में बीच में एक जो हिस्ट्री शीटर था अजय जामरी, उसके हत्याकांड के तीनों ही आरोपी थे जिनको पुलिस ने पकड़ा था और मुठभेड़ के दौरान जिनके पैरों में गोली लगी थी। हालांकि अब वो स्थिति हो गई है कि वो चलने लायक भी नहीं रहे हैं और जो पुलिस का जो खौफ है वो उन पर साफ तौर पर देखा गया है। और पुलिस का भी मानना है कि अपराध का जो अंत होता है वो ऐसा होता है कि इस वीडियो के जरिए भी जो अन्य अपराधी है उनको एक मैसेज देने की जरूरत जो है भरतपुर पुलिस के द्वारा यहाँ की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस वीडियो को वायरल करने का भी मतलब है कि ये बताया जा रहा है कि वही दैनिक भास्कर ने भी इस मामले के बारे में ये रिपोर्ट दी थी। भरतपुर के अटलवन थाना इलाके में 27 अगस्त को दिन दहाड़े अजय झामरी के तीनों हत्यारों को भरतपुर पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कल देर रात जब तीनों आरोपियों को ला रही थी तो उस समय DSP टीम तीनों आरोपियों को अटलवन थाना पुलिस को सौंप रही थी। इस दौरान एक आरोपी जिसका नाम तेजवीर है, उसने जगदीश DST कांस्टेबल उसकी पिस्टल को छीना और भागने की कोशिश की। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस की तरफ एक हिट फायर किया जो सीधा DST टीम इंचार्ज मुकेश के सीने पर जा लगा। लेकिन जो DST इंचार्ज मुकेश है उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए वह बाल बाल बचे। इधर जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाशों के दोनों पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने बदमाशों को RBM हॉस्पिटल के ICU में भर्ती करवाया था जहां से उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। इनमें से बंटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। फरारी के दौरान इनको कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये लोग अगर अभी नहीं पकड़े जाते तो आगामी समय में किसी न किसी दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। मृतक के परिवार ने शिकायत दी थी कि आरोपी की बहन पुलिस में है और वो क्रिमिनल्स की मदद कर रही है। शिकायत पर SP ने महिला पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की है। रिपोर्ट में दिखने वाले आरोपी वायरल वीडियो में भी है, जिससे ये बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि वायरल वीडियो यूपी में मनचलों को गोली मारने की हाल की घटना का नहीं बल्कि भरतपुर में अजय जामरी हत्याकांड के आरोपी तेजवीर, युवराज और बंटी खुशाल का है।